Kullu, have you ever done this in your life? I have done this. I was driving the taxi. दोस्तों साल खत्म होने को आ गया है. तुम लोग कब मेरे प्यार में गिरने वाले हो? कीपिंग विद कुल्लू में मेरा नाम कुल्लू है. ये वही शो है जिसमें हम लोग कूल चीजों का ट्रेलर देखते हैं अपने कूल दोस्तों के साथ. और आज उस कूल दोस्त की वॉइड को फिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद है त्रिनेत्रा जी. त्रिनेत्रा, कैसे हैं आप? I am very good. Thank you for having me again. कैसा लग रहा है आपको शो पे वापस आके? आपके पिछले एपिसोड का प्रदर्शन देख के लोगों ने कहा कि भाई त्रिनेत्रा तो चाहिए ही चाहिए. I'm so happy. No, dude, I was very happy with how it turned out and what people were saying. बहुत खुश हूँ. What is happening in your life? जैसे हम आज जिस पिक्चर का ट्रेलर देखने वाले हैं दोस्तों उस पे आ जाते हैं. खो गए हम कहाँ, पिक्चर का नाम है और मेरी जिंदगी में भाई सब कुछ खो गया है. अरे बाप रे. Are you okay? No. Okay. भाई साहब शो की एक रीत है कि ट्रेलर देखने से पहले हम खाते हैं आइसक्रीम. हमें प्रोडक्शन को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ही जीनियस गणित लगा के जो है आइसक्रीम का फ्लेवर जो चीज का ट्रेलर हम देखने वाले हैं उससे मैच कराया हुआ है. ये आइसक्रीम खा के हम देखते हैं और देखते हैं कि कैसे मैच कराया है. अरे भाई साहब अमरूद में किसी ने भाई भुरकी है लाल मिर्ची. ये अमरूद है ना, गोवा मिर्ची है ना ये. भाई साहब इस एपिसोड की शुरुआत ही एकदम पॉजिटिव नोट पे हुई है. हमने फ्लेवर गैस कर लिया करेक्टली. ट्रेलर देखना आप शुरू करते हैं. भाई साहब आप शुभारंभ करें. भाई साहब स्पेस बार दबाइए. ओके. हम सब सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करते हैं. तुम किसी का भी सोशल मीडिया प्रोफाइल उठा के देखो, इट्स जस्ट अ हाईलाइट रील ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ देयर लाइफ. मुझे नहीं जानना यार कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या खा रहे हो. आई बेटर थिंग्स टू डू ऑलराइट, लाइक फाइंडिंग आउट कि मलाइका अरोरा ने आज जिम में क्या पहना. भाई साहब स्टैंड अप कॉमेडियन है भाई साहब सिद्धांत चतुर्वेदी इसमें. बहुत बढ़िया. मेरा कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन है कि मेरे जैसे शक्ल का आदमी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है वहां पे. ओके श्योर सॉरी. नहीं था इतना भी हंसने का था नहीं कुछ पैसे. सबको पता है मैं सार्कास्टिक हो रहा हूँ. No. मेरे को पता है भाई सिद्धांत भाई और मैं सेम नहीं दिखते भाई. मेरी जॉ लाइन थोड़ी ज्यादा शार्प. यू नेवर नो पीपल. जो आपके सबसे ज्यादा करीब होता है ना वही आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज करता है. आई कांट डू व्हाट व्हाट आई जस्ट कांट. कुछ नहीं हुआ है, कभी कुछ होता ही नहीं है यार. उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स है ब्रो. शी इज एन इन्फ्लुएंसर. लगता है अगली नीम परेरा रोमकॉम रिलीज होने वाली है. इफ देयर वाज अ कुल्लूज रोमकॉम व्हाट वुड इट बी कॉल्ड? थैंक यू फॉर कमिंग. हर पल है रोशनी जब से हम तुम्हारे Kullu, have you ever done this in your life? I have done this. I was driving the taxi. तुम्हें पहली बार कब लगा कि तुम funny हो? शायद जब मैं बहुत sad था. भारी बहुत भारी बात बोल दी भाई यार ये. आपको कब लगा पहली बार कि आप बहुत funny हो? I'm not that funny. यार modesty मत करो, जल्दी बताओ आपको बुलाया काहे के लिए इस शो पे? Because we're funny together. That's the most romantic thing I heard. Oh my god. All I want is for you to save your money. थोड़ा खर्चा कर लोगे तो क्या हो जाएगा? वही पुराना गाड़ी चला रहे हो, वही बेकार घर में रह रहे हो. तुम्हारा जनरेशन को तो मालूम ही नहीं है कि नीड क्या और वांट क्या है. Have you ever had this conversation with your parents where you're like, yaar all these other kids have XYZ, why are you not buying for me? Nahi nahi, my mom is ulta. My mom wanted to buy things for me. I'm like, nahi zarurat. My parents have always been like, we didn't have, why you should have? भाई ये क्या मस्त बात है. हमारे पास नहीं था तुम्हारे पास क्यों होगा, हम क्यों फोमो लेंगे? As a young adult, what is that need and wants? So as a doctor, I was so like used to waking up with that sense of purpose in life. Okay. So I need that. Like whatever calm is happening, whatever is happening, it needs to feel like there is a bigger picture and this world will be better. Yeah. That is a need. Purpose हो गया दोस्तों. List बनाते जाओ. फिर other things. Sex. चलो. You इनके लिए इनके लिए इनके लिए sex is need, मेरे लिए want. Can you please just tell me कि break लेने का क्या मतलब है? बस ये मत बोलना कि तुम मुझसे bore हो गए. So what do you think she's doing here? मुझे लग रहा है कि वो अपनी hot pics डाल के अपने ex को जलाने की कोशिश कर रही है. यार मुझे मैं नहीं हॉट पिक्स डाल पा रहा हूँ. मैंने अपनी हॉट पिक्स उसको भेजी मेरी एक्स को, कह रही है ब्रेकिंग अप विद यू वाज अ नाइस डिसीजन. क्या हॉट पिक्स का क्या है यार, कैसे क्या एक्सप्रेशन? मैंने सुना वो ऐसा मुंह बंद नहीं करना है. ये मैं कौन सुना?
Not that much. Okay, wait, wait. So I will tell you what, just think of an emotion. Yeah, and, okay. Now imagine that there are a lot of beautiful women in front of you. Now imagine that one really hot woman is coming up to you and saying, Kullu, you're the most beautiful man I've ever met in my entire life. Marry me. Girlfriend was not entirely wrong. Sorry. Just kidding. Ya tumhe koi aur chahiye? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या चाहते हो, ऐसा क्या ढूंढ रहे हो? You were seeing other people. I'm sorry, obviously गलत है. Ooh, so speaking of situationships, have you been there? साहब पेशा हो चुका है हमारा. मैं दुनिया की सबसे खराब फीलिंग्स में से एक मानता हूँ. When you get to know that your partner is like cheating. हाँ वही मतलब मैं इसको पर्सनल इंटरव्यू समझ रहा था. ये तो ग्रुप डिस्कशन निकला. She's so out of his league that it looks like a paid partnership. Oh no 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 no. यार ये as a comedian it is a very much struggle. So I actually have a set on my girlfriend. जब वो गर्लफ्रेंड थी तब वो सेट था. ओके ओके ओके. फिर अब मेरा हो गया ब्रेकअप. लेकिन वो जोक चलते हैं स्टेज पे. हाँ. तो अब आई कांट स्टार्ट विद द जोक कि आई माय एक्स वाज लाइक दिस. हाँ. पीपल विल लाइक कि एक्स बैशिंग नहीं चाहिए तेरी. करेक्ट. तो अभी भी स्टेज पे तो मैं कमिटेड हूँ. मेक सेंस. नो बट आई रिमेंबर यू डिड क्रैक गर्लफ्रेंड जोक्स बट इन द एंड यू मेंशन दैट शी इज अ लॉट ऑफ माय डेटिंग ऐप मैचेस आर आल्सो सिटिंग इन द ऑडियंस लाइक मैन यू कमिटेड है. कल रात में कह रहा था कि सिंगल एज लोनली एज अ ब्रिक. अरे बाप रे लोनली एज अ ब्रिक. मुझे नहीं पता मैंने रैंडम बोल दिया. जोक अपने टिंडर हैबिट के बारे में बात करना, उसके बारे में जोक्स बनाना. इमोशनली स्टंटेड है तू ब्रो, समझा? हर रोज तुम्हारी सुपर हैप्पी लाइफ परफेक्ट गर्लफ्रेंड देख क्या आई एम फेड अप रोहन. मत देखो ना, क्यों देख रही हो? आई डोंट नो, आई कांट स्टॉप. वी हैव बिकम एडिक्टेड टू अदर पीपल्स लाइव्स. इट्स द डिजिटल एज. सिर्फ लगता है ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन शायद इतने अकेले पहले कभी नहीं थे. तुमको लगता है कि वी आर लाइक टू अलोन राइट नाउ? 100% डूड. सोशल मीडिया बिकम्स सो मच अबाउट हु यू वांट पीपल टू थिंक यू आर एक्चुअली, एंड इट्स वेरी सबकॉन्शियस. यू डोंट इवन रियलाइज यू आर डूइंग इट. मुझे लगता है कि अकेले तो सभी लोग हमेशा थे बट अभी हमारे पास एक जो है वो फालतू का वादा है कि वी हैव सो मेनी पीपल टू टॉक टू, और जबकि दे आर नॉट विद अस, लाइक नोबडी नोज एग्जैक्टली व्हाट हैपनिंग. तो या तन्हाई तो है दोस्तों. आल्सो व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स ऑन सोशल मीडिया, आई फील अ लॉट ऑफ पीपल आर चेजिंग द बॉयफ्रेंड एस्थेटिक. क्या बॉयफ्रेंड एस्थेटिक क्या होता है, जरा लिस्ट बता दें जरा. अ लॉट ऑफ पीपल वांट द सोशल अप्रूवल ऑफ बीइंग एबल टू पुट अप दैट कपल कंटेंट. आप इतने क्लोज थी कपल कंटेंट बनाने के. No, I realized after I आप इनमें दो तीन रीलें बना भी नहीं थी. आप लोग ने कही. Stop. I told you this in private. You cannot. मुझसे कैप्शन मांग रही थी. फिर ब्रेकअप हो गया. In 30 seconds, could you tell us what you understood from this trailer? तो भाई साहब तीन दोस्तों की कहानी है, सिंपल सी. सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे एंड आदर्श गौरव. सिद्धांत चतुर्वेदी एक स्टैंड अप कमेडियन है और वो अपने जोक्स में जो है अपने दोस्तों की इनसिक्योरिटीज को यूज करने लगे हैं, जिसकी वजह से उनके दोस्त जो है उनसे नाराज हैं. अनन्या पांडे अपने एक्स से मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है, जो वो कर नहीं पा रही है बिकॉज सोशल मीडिया के चलते जो है उनको रोज उनके एक्स सोशल मीडिया पे खुश दिख रहे हैं, उनकी अच्छी लाइफस्टाइल दिख रही है, जिस वजह से उनको फोमो भी हो रहा है, जेलसनेस भी हो रही है, जो कि हमारे नॉर्मल लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा होता है. आदर्श गौरव भाई बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड करते हैं और वो राइट नाउ एक रिलेशनशिप में है एक इन्फ्लुएंसर के साथ जिनके 1 मिलियन फॉलोअर हैं, तो वो उस डायनेमिक को डील करने की कोशिश में लगे हुए हैं. अब इन तीनों दोस्तों की जिंदगी क्या मोड़ लेती है, इनके आपस का रिलेशनशिप कैसे अफेक्ट होता है, इनकी फ्रेंडशिप कैसे अफेक्ट होती है, ये हमको देखने के लिए भाई साहब 26 दिसंबर को देखना पड़ेगा. खो गए हम कहां, ओनली ऑन नेटफ्लिक्स इंडिया. मैं अपने दोस्तों के साथ देखना चाहता हूं, साथ में बैठ के, और जो भी प्रॉब्लम पिक्चर में दिखाई जाएगी हम कोशिश करेंगे कि मैं और मेरे दोस्तों के बीच वो प्रॉब्लम ना आए. Over to you guys.